ज्यों ज्यों पंजाब विधानसभा चोणां नेड़े आ रही हैं त्यों त्यों वख वख पार्टियां वलों अपने वखो वखरे रंग दिखाए जा रहे हैं। अज असी पहुंचे हाँ जीत वैब टीवी की टीम लैके पिंड खटकड़ कलां विखे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के स्मारक के उत्ते, जिथे इस समय किसान आगू गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी पहुंचे ने और शहीदां नूं शरदा दे फुल भेट करके वो अपने विचार रख रहे हैं। आओ आपां उन्हां दे विचार सुनते हैं, उन्हां वल्लों नवी रणनीति की है और जो दिल्ली विखे संघर्ष चल रहा है उस संबंधी वो की कहना चाहते हैं, उन्हां दे विचार सुनते हैं। तो इस समय वड्डी गिणती दे विच जिथे इत्थे किसान पहुँचे हुए हैं उत्थे गुरनाम सिंह चुड़ूनी वल्लों शहीदां नूं सजदा किया जा रहा है। अज असी अपने आप नूं चंगे भागां वाले समझते हाँ जिहड़े अज उस धरती ते पहुंचे हाँ जिथे देश के महान शहीद सरदार भगत सिंह ने उन्होंने जन्म लिया है। तो बड़े लोगों ने कुर्बानियां दित्तियां हैं, पर उन्हां कुर्बानियां च देश नूं आजाद कराणी है सब तो वड्डे जिहड़े सिर मौर रहे ने सरदार भगत सिंह रहे ने। तो अज उन्हां दी धरती ते उन्हां दे पिंड पहुँचने का मौका मिलिया है, उन्हां दे चरणां च शीश नवाउण आए सी। पर बदकिस्मती देश की यह है कि जिहड़ा सुपने नूं लै के शहीद भगत सिंह फांसी ते चढ़े सी अज वो देश बचिया नहीं है। उन्हां ते आम लोगों वास्ते गरीबों वास्ते देश का सुपना लिया सी, बराबर होणगे सारे, जनता का राज होएगा तो सारे दे बराबर हक होणगे। उन्हां नूं नहीं सी पता कि इस देश दे विच कारपोरेट का राज होएगा तो इत्थे आम लोग भुखे मरणगे। उन्हां नूं नहीं सी पता कि जिस पंजाब की धरती ते उन्होंने जन्म लिया है उस पंजाब दे विच तीन चार किसान रोजाना सुसाइड करनगे करजे तो दबके। ये सुपना उन्हां दा नहीं सी। ते ओ जिहड़ा जिहड़ा उन्होंने सुपना लिया सी जे उस सुपने नूं आपां ने साकार करना है तो अज देश की दूजी आज़ादी की लड़ाई की लोड़ है, अज आर्थिक आज़ादी की लड़ाई की लोड़ है। क्योंकि अज एक बंदे कोल 2100 करोड़ रुपये एक दिन की आमदन है, दूजे बंदे कोल कितनी बड़ी आबादी है जिहड़े 30-35 रुपये पर डे पर प्रतिदिन दे विच गुजारा कर रहे हैं, 20 करोड़ आबादी है जिन्हें 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही। तो जे असी इस देश को बचाना है तो इस देश की राजनीति को बदलना पड़ेगा। सब तो पहला चुनी साहब पिछली तरीक बयान थोड़े वालों आया कि पंजाब के अंदर किसान जी इलेक्शन लड़नी चाहिए जिदा संयुक्त पूरे किसान मोर्चे वालों द्वारा विरोध किया गया, तो सस्पेंड भी किया गया कि लगता कि मतलब तो पंजाब के अंदर वाकई किसान जथेबंदी इन्हों पॉलिटिक्स में आना चाहिए। देखो बिल्कुल आना चाहिए, अपने को रस्ता की है, चारा की है, कोई देश का बुद्धिजीवी कोई देश का समझदार सानू यह दस दे भी दूजा रस्ता की है। जे वोटा ना राज बनता है, जे जनता ने राज बनाना है, फिर कारपोरेट का राज किवें अपने देश च आया, फिर पैसे वाले का राज किवें आया। अज दे साल देखो 3% लोगों की आमदन वधी है, 97% लोगों की आमदन घटी है, तो जिहदी वधी है उहदा हाल देखो। पिछले साल अंबानी की आमदन 67% वधी, इस साल अंबानी की आमदन 73% वधी, लॉकडाउन तो बाद 73% वधी, 2 सालों के 2.5 गुणी हो गई है। एक किसानों को कहिंदे 2022 तक 2.5-2 गुणा होएगी, रहेगी अद्धी। आपां इस पॉलिसी नूं जे बदलना है तो उहदा रस्ता की है, उहदा रस्ता केवल इक्को रस्ता है कि इहनां जिहड़े भ्रष्ट राजनीति इहनां सरन पासे कर दिओ, जिहड़े खानदानी हो गए ने, जिहड़े पेशेवर राजनेता हो गए ने, इहनां सरन बाहर कढो देश तों। 2022 बिल्कुल आगाह करन आए हैं, बिल्कुल असीं बेनती करन आए हाँ पंजाब दे सारे भरावां नूं ते भी जे इस देश नूं बचाना है तो दूजा कोई रस्ता नहीं है, चंगे लोगों नूं ईमानदार लोगों नूं अगे लियाओ, एक कारपोरेट का राज उखाड़ दो देश। सीएम चेहरा कहिहड़ा होगा? ये तो अजे आपां तय नहीं कीता, ये तो अजे शुरुआत की है, तो एक विचार उत्पन्न होया है। हुंगारा दिंदे ने उस दे विच
मैं कहना मैं एक बार नहीं मैं 100 बार सस्पेंड करो पर मैं अपनी जी विचार है जनता तक जरूर पहुंचा। देखो पंजाब का जो आम जनमानस है वह बहुत चंगा हुंगार है पर मैं एक चीज़ मैं वो होर क्लीयर करते रह करदा कि किसी को कन्फ्यूजन रह जाए कि यह अंदोलन के वास्ते संयुक्त मोर्चा बनया सी। यह अंदोलन जब तक चलेगा साडा हिस्सा सब नालों वध उस अंदोलन दे विच है। तुहाडा फैसला जां संयुक्त मोर्चे दा फैसला? नहीं, साडा फैसला संयुक्त मोर्चे दा फैसला नहीं। संयुक्त मोर्चे दा फैसला नहीं है। मैं कह हटिया मिशन पंजाब संयुक्त मोर्चे दा फैसला नहीं है। साडे विचारधारा है, असी विचारधारा पंजाब दे विच छड्डो। सुनो ध्यान नाल सुनो कि तीन कानून बनने तो पहला देश का किसान सुखी सी। 5 जून 2020 तो पहला की किसान आत्महत्या नहीं सी कर रहा? यह साडे डैथ वारंट ने। जे डैथ वारंट आप वापस भी करा ले तो फिर भी आप वेंटीलेटर से रहेंगे। वेंटीलेटर तो किसान, वेंटीलेटर तो मजदूरों, वेंटीलेटर तो देश की जनता कि तारी है। सर, सर संयुक्त मोर्चा जो संयुक्त मोर्चे की विचारधारा अलग होगी, थोड़ी विचारधारा अलग होगी, ये कहना चाहते तुम? नहीं, मैं ये नहीं है कि आप कोई अलग होगी। अंदोलन इकट्ठा है, अंदोलन कट्टा अंदोलन किदा होर वधेगा, तुहाडी सोच अलग होर वधेगा। सोच अलग हो गई फिर अंदोलन किदा कट्ठा रह जू? सोच इलेक्शन दी अलग है, वोटां उन्होंने भी पानी है कि ना कि या वोट नहीं पाणगे की उन्हां दा फैसला वोट नहीं पाणगे की देश दी जनता कोई वोट नहीं पाएगी। बस 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 अंतर इना कि भी असी कह रहे हैं अपनी वोट अपने कोल पा लियो, वह कह दे जिदे मर्जी कोल पा लियो। जिदे मर्जी का पाने का मतलब यह है जेडे सानू लुट रहे ने, सानू कुट रहे ने, की उन्होंने ही असी मुड़ के वोट पाइए? बीजेपी कह रहे, बीजेपी वोटा पाओ। बीजेपी नहीं कह रहे कि बीजेपी ने लुटिया, कि कांग्रेस ने सानू नहीं लुटिया, कि दूजी पार्टी ने सानू नहीं लुटिया? कि बीजेपी का राज 2014 च आया, 2014 तो पहला की हालत सी? उस तो पहले छूट छाट नहीं सी कर रहे। पिछले 20 साल साढ़े 3 से 4 लाख किसान करजे तो दब के आत्महत्या कर चुके ने। जिन्ना हिंदुस्तान के टोटल किसानों के कर्जा है ना, उस तो 2 गुणा करजा कारपोरेट ने देश का मार लिया। जिन्हों आप NPA कहते हैं, देश का एक भी पूंजीपति दसो मैं मरिया हुए करजे च क्यों? किसान ही क्यों मरदा? दो तरह के कानून क्यों ने? नहीं गल कही है कि जे चुड़ी साहब ने इलेक्शन लड़नी है तो कल्ले लड़ो, कि लगता है हम तो सू बाकी वाकई पंजाब दे विच जां हरियाणा दे विच सपोर्ट नहीं करांगे? संयुक्त मोर्चा सारा ये गल कह रहा है कि असीं तुहाडी सपोर्ट नहीं करांगे क्योंकि असीं कोई पोलीटिकल पार्टी लई नहीं है। मैं कदों कहा सपोर्ट करो? मैं तो एक विचार छड्डा, मैं तो उन्होंने कहा तुसीं लड़ो, मैं नहीं कहा मैं लड़ांगा। मैं तो इन्होंने कहा तुसीं लड़ो, तुसीं आओ अगे, जे नहीं लड़ते उन्हां दी मर्जी। जनता दे विच विचार छड्ड रहे किसान, दो फाड़ नहीं हो जाएंगे किसान थोड़े मगर चलणगे किसान संघर्ष संयुक्त मोर्चे दे होर ज्यादा जाणगे इस अंदोलन दे विच, होर ज्यादा जाणगे। किस तरह किस तरह वजह मतलब राजनीतिक पार्टी बना के? नहीं 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 नहीं, राजनीतिक पार्टियां जिहड़ियां राजनीतिक पार्टियां पहला ने पेशेवर, पहला ने पेशेवर दर कारपोरेट तो पैसा खाण वाली आ ਉਹੀ ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 117 ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਭ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਰ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ ਆਖਰ? ਲਾਸਟ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, मिशन पंजाब का इलैक्शन 2022 है, हरियाणा का इलैक्शन 2022 नहीं है, 2024 है सेंटर का, तो हरियाणा का। असी कह रहे हैं 22 तो लैके 24 तक तुम मॉडल पेश करके दिखाओ ना जी। भी इस तरह सरकार चलनी चाहिए है, फिर पूरा देश लगेगा, फिर मिशन भारत। मैं कहना यह कोई तय नहीं है कि उम्मीदवार होगा कि नहीं होगा। आप सारे रल के ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜ ਜਾਏਗਾ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਚੰਡੂਨੀ ਮਗਰ ਜਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਮਗਰ ਜਾਊਗਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ?
सैकड़े किसान यूनियन सैकड़े संगठन लड़ रहे ने आप लड़के अंदोलन रल के अंदोलन लड़ रहे हैं रल के लड़ते रहेंगे। मैं जसवीर सिंह नूरपुर मेरे नाल कैमरामैन गुरजिंदर सिंह गुरु। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तों पेज लाइक करने के लिए इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरों वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।